इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि हाइब्रिड अर्थ को तबाह करने आ रहे होते हैं। अब वो हजारों की तादाद में अपने वॉरशिप लेके आते हैं और उनसे लड़ने के लिए फाइनली एजमथ बैन को मास्टर कंट्रोल दे देता है, यानी ऑमनिडिक्स की सारी पावर और सारे के सारे फीचर्स अनलॉक। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एपिसोड के अंदर, तो एंड तक ज़रूर से देखते रहना। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़े से टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एजमथ का प्लैनेट गैल्वन प्राइम दिखाया जाता है और वहाँ पे सारे के सारे गैल्वन काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं क्योंकि उनके प्लैनेट के ऊपर अचानक से हाइब्रिड ने हमला कर दिया होता है। जो एजमथ होता है वो भी उस हमले को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं एजमथ मेरे साथ चलो। एजमथ कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं टाइम वॉकर, हाइब्रिड के अचानक हमले से हम लोग हिल चुके हैं, गैल्वन डिफेंस सिस्टम भी कमज़ोर पड़ चुका है और अगर गैल्वन ही नहीं रहेंगे तो कोई योर नस्ल भी नहीं टिक पाएगी। पैराडॉक्स कहते हैं देखो मैं इस पूरे यूनिवर्स के सबसे अकलमंद इंसान को ये कहते हुए हिजक रहा हूँ, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। एजमथ कहता है समझाओ फिर। पैराडॉक्स कहता है अभी हमारे पास एक चीज़ है जिसे तुम ही ने बनाया है। एजमथ कहता है पर ऑमनिडिक्स उन कामों के लिए नहीं है। पैराडॉक्स कहता है उस लड़के ने कई बार साबित किया है कि तुम्हारे तय किए गए कामों के अलावा भी ऑमनिडिक्स के और भी इस्तेमाल है और तुम मेरे साथ अर्थ पे चलो। एजमथ कहते हैं नहीं, मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बन में जो हाइब्रिड का वॉरशिप होता है उसके पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर रहा होता है। और पैराडॉक्स कहते हैं मुझे उम्मीद है अगले 3 सेकंड में तुम्हारा जो इरादा है वो बदल जाएगा और वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं बैन को जो कि आराम से फुटबॉल खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर पैराडॉक्स आ जाते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं ये गेम खेलना छोड़ो और बड़े गेम की तैयारी करो बैन। उसके बन में बैन कहता है पैराडॉक्स आप यहाँ? पैराडॉक्स कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ और अभी चलो यहाँ से। केविन कहता है इतना भी क्या ज़रूरी था कि मुझे ऑटो शो के बीच में से उठा लाए? एजमथ कहता है तुम्हारी धरती और उसके लोगों की जान से बढ़कर कोई बात हो सकती है? पैराडॉक्स बताते हैं हाइब्रिड की तरफ से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। बैन कहता है जानते हैं हम लोग हफ्तों से उनसे लड़ रहे हैं। एजमथ कहता है ऐसे छोटे मोटे हमले नहीं, उन लोगों ने मेरे पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया जो कि लौता एक ऐसा प्लैनेट था जिनकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। बैन कहता है और उनका अगला टारगेट? पैराडॉक्स बताते हैं अर्थ। एजमथ कहता है हाइब्रिड ने दर्जनों प्लैनेट को अपना निशाना बनाया है, वो पहले कुछ हाइब्रिड वहाँ पे भेजता है। पैराडॉक्स बताते हैं और वो लोग वहाँ के आम बाशिंदों को पकड़ के उन्हें डीएनए लेंस गुलाम बनाते हैं। केविन कहता है और फिर उन गुलामों से जम गेट बनवाते हैं। एजमथ कहता है हाँ, उन जम गेट की मदद से वो लोग अपने वॉरशिप को एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कुछ ही पल में पहुँचा सकते हैं। बैन कहता है हम तीनों ने मिलकर मुश्किल से उनका एक शिप तबाह किया था। पैराडॉक्स कहता है जो शिप तुमने तबाह किया था वो कोई वॉरशिप नहीं था, वो एक छोटा सा खोजी शिप था। एजमथ कहते हैं इस अर्थ की कोई भी फोर्स उनके एक भी वॉरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती और वो तो हजारों की तादाद में भेजेंगे। केविन कहता है हाँ समझ गए, इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पैराडॉक्स कहता है अगर उनका हाइपरस्पेस जम गेट बनने से पहले कुछ करके हम उन्हें रोक दे तो शायद से बात बन सकती है। एजमथ कहता है उसे ढूंढना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होगा। पैराडॉक्स कहता है वो जरूर उसे किसी ऐसी जगह बना रहे होंगे जहां पे क्वाड क्रिस्टल आसानी से मिल सके ताकि उनकी मेटा ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल रहे। ग्वेन कहती शायद उनकी साइट लॉस सोलिडास के क्वार्ट माइन हो। बैन कहता और वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा आर्च भी बना रहे थे। केविन कहता है इसका मतलब हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर काम शुरू करें। बैन कहता है हाँ लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं, तुम्हें याद हम कुछ सुपर पावर्स वाले प्लमर बच्चों से मिले थे, हमारे कई एहसान हैं उनके ऊपर, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। एजमथ कहता है सुनो बैन, इस काम के लिए तुम अपने दोस्तों को भेजो, मुझे मेरी बनाई ऑमनिडिक्स पहनने वाले से कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर हम लोग देखते हैं एलन को जो कि डीएनए लेन को पकड़ने में पुलिस वालों की मदद कर रहा होता है और वो उस डीएनए लेन को अपने आग के घेरे में फंसा देता है। तभी वहाँ पर ग्वेन केविन और पैराडॉक्स आ जाते हैं और केविन कहता है वाह दोस्त, अगर तुम इनके रोज दोस्त के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। इधर हम लोग देखते हैं एजमथ को जो कि बैन से कहता है देखो बैन, इंसानों की अक्ल का अंदाज़ा है मुझे लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम्हें पता है ना कि तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? बैन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, हाइब्रिड अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। एजमथ कहता है नहीं बैन, वो अर्थ की तबाही चाहते हैं, अगर तुम ये जंग हार गए तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। बैन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एजमथ कहता है इतनी बड़ी बात को इतना छोटा समझने की तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम ऑमनिडिक्स लेके उस जंग में उतरो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऑमनिडिक्स की मदद से दूसरे जीवों की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। इधर हम लोग देखते हैं ग्वेन को जो कि कूपर के पास आई होती है और वो कहती है कूपर हमें तुम्हारी जरूरत है। कूपर कहता है तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। केविन कहता है वाह ग्वेन। ग्वेन कहते केविन ये मजाक का समय नहीं है, इसमें सच में जान का खतरा है। कूपर हम लोग वापस से लॉस सोलिडास जा रहे हैं हाइब्रिड से लड़ने, आना या ना आना तुम्हारे हाथ में है। कूपर कहता है अगर तुम जा रही हो ग्वेन तो मैं भी आऊँगा।
इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अजमत से कहता है, आपने मुझसे झूठ बोला। अजमत कहता है, नहीं मैंने बस तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था। बैन कहता है, जो कि अब मैं हो चुका हूँ। अजमत कहता, बिल्कुल भी नहीं, पर अभी हालात ऐसे हैं कि तुम्हें सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। हाइब्रिड ने जितनी भी एलियन नस्लें तबाह की है, सभी की आखिरी उम्मीद ऑमनेटिक्स है। बैन कहता, पर इन सब बातों का ऑमनेटिक्स से क्या लेना देना। अजमत कहता कि मैंने तुम्हारी ऑमनेटिक्स के अंदर पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी जीवों के डीएनए इनकोड किए हैं। बैन कहता, वो बात तो मैं जानता हूँ, 10,000 से भी ज्यादा है। अजमत कहता, शुरुआत से मैं तुम्हें यही तो बताता आ रहा हूँ कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मैंने 10,00,000 से भी ज्यादा डीएनए सैंपल्स डाले हैं, और इस ऑमनेटिक्स के जरिए तुम हर उस एक नस्ल को एक नई जिंदगी दे सकते हो जिसे हाइब्रिड मिटा देगा, यहाँ तक कि इंसानों को भी। बैन कहता, मैं उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। अजमत कहता, अगर इस ऑमनेटिक्स के साथ तुम भी तबाह हो गए तो किसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी, ना ही इंसानों के पास, ना ही किसी और नस्ल के पास जिन्हें हाइब्रिड तबाह कर देंगे। तुम्हारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बैन, और इसी वजह से मैं तुम्हें इस आखिरी जंग में हिस्सा नहीं लेने दूंगा। इधर हम देखते हैं कूपर को जो कि एक मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है जिसके अंदर डार्क सर फंसा होता है। डार्क सर कहता है, प्यारी ग्वेन, क्या मैं जान सकता हूँ मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों? ग्वेन कहते हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डार्क सर कहता है, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ग्वेन कहते हैं, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि कहता है, सॉरी अजमत, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे अर्थ को बचाना है और मैं करके ही रहूँगा। अजमत कहता है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बैन कहता है, आप मुझे रोकेंगे कैसे? अजमत कहता है, तुमसे ऑमनेटिक्स वापस लेके। बैन कहता है, ऐसा नहीं होगा। अजमत कहता है, मुझे पता था, अगर तुम्हें पागलपन करना ही है तो यकीनन तुम्हें ऑमनेटिक्स की पूरी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑमनेटिक्स मास्टर कंट्रोल शुरू करो। उसके बाद ऑमनेटिक्स के अंदर मास्टर कंट्रोल शुरू हो जाता है, और बैन कहता है, अब मैं कितने एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ? ऑमनेटिक्स कहती है, 10,903 जेनेटिक सैंपल मौजूद है। तभी वहाँ पे केविन आ जाता है और वो कहता है, मेरी कार से बाहर निकलो और जरा देखो हमारी मदद करने कौन कौन आया है। बाहर एलन खड़ा होता है, कूपर खड़ा होता है, डार्क सर भी आया होता है, और वहाँ पे जूली भी आई होती है। बैन कहता है, तुम कैसे मदद करोगी? उसके बाद जूली सीटी बजाती है और वहाँ पे शिप आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक वॉरशिप बन जाता है। बैन कहता है, कूल। उसके बाद बैन सभी लोगों को बुला लेता है और ये सारे के सारे इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे जो टीम असेंबल वाला सीन होता है ना भाई, इसमें नेक्स्ट लेवल गूज़बम्प्स आते हैं। उसके बाद वो लोग हाइब्रिड के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और बैन कहता है, ध्यान से सुनो, हमें उनका हाइपरस्पेस जम गेट तबाह करना है, और कोई हाइब्रिड मिलेगा तो उसे पकड़ लेंगे, बस इतना ही। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आज से पहले हम लोग जो कुछ भी थे लेकिन आज एक टीम है और एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ गिर रही होती है। ग्वेन कहते हैं, मुझे अपनी जैकेट साथ में लानी चाहिए थी। बैन कहता है, थोड़ी देर और इंतज़ार करो ग्वेन, मामला भी गर्म होने ही वाला है। और तभी वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस उनके ऊपर हमला करने आ जाते हैं और ये सारे के सारे भी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पे जो केविन होता है अपनी कार में से उतरता है, उन सभी को पीटने लग जाता है, और ग्वेन भी अपनी पावर से सभी को पीटे जा रही होती है। और यहाँ पे जो केविन होता है वो हल्की तरह ऊपर से कूद के नीचे धमाका कर देता है और उनके ऊपर पत्थर भी फेंक के मार देता है। यहाँ पे जो एलन होता है वो अपनी आग वाली पावर से सभी लोगों को भून देता है, और बैन कैनन बोल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर सभी की चटनी बना देता है। और यहाँ पे जो पैराडॉक्स होते हैं उन्हें किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो टाइम को रोक के आराम से वॉक करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो अजमत होता है वो भी हीरो के स्टाइल में भाग रहा होता है, लेकिन एक चिपचिपी सी चीज में उसका पैर फंस जाता है और वो वहीं पे अटक जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कूपर को जो कि अपने आर्मर से काफी सारी मिसाइल्स मार रहा होता है, और यहाँ पे जो जूली होती है वो भी शिप के ऊपर बैठ के काफी सारी तबाही मचा रही होती है। यहाँ पे जो डार्क सर होता है वो अपने काले जादू से सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन वो बीच में सभी की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। तभी बीच में बैन आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। बैन कहता है, सारे के सारे इंसान है, बस उन एलियंस ने इनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है, और हमें इन्हें मारना नहीं है, सिर्फ इन्हें हराना है। डार्क सर कहता है, तो अब क्या इनकी मरम्मत करोगे? उसके बाद जो बैन होता है वो अपनी ऑमनेटिक्स की मदद से उनके डीएनए को रिपेयर करने लग जाता है, जिससे ऑमनेटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ता है और बैन बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे बैन को होश आता है, अजमत कहता है, तुमने मेरी ऑमनेटिक्स की पावर को गलत तरीके से यूज किया। बैन कहता है, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाह रहा था। पैराडॉक्स कहता है, तुम्हारे इरादे नेक थे बैन, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वक्त की अहमियत समझा करो। उसके बाद कूपर कहता है, अब जब मैंने तुम्हें ये करते हुए देख ही लिया है तो मैं इसे बना सकता हूँ। उसके बाद कूपर काफी सारी गन्स बना देता है जो कि और लोगों के डीएनए को रिपेयर कर देती है। उसके बाद ये सारे के सारे सभी के डीएनए को रिपेयर करने में लग जाते हैं, और यहाँ पे जो अजमत होता है वो भी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट वापस से शुरू हो जाती है, और सबसे ज्यादा मजा तो यहाँ पे अजमत को देखने में आता है, क्योंकि वो जैसे ही फायर करता है वो स्प्रिंग की तरह उछलने लग जाता है।
और यहाँ पे जो केविन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कलाबाजियाँ खा खा के सभी के डीएनए को रिपेयर कर रहा होता है, और धीरे धीरे करके वो लोग सभी लोगों को नॉर्मल करे जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डीएनए एलियन बैन के ऊपर फायर कर देता है और बैन अब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उनकी जो पावर होती है वो उनके एक वैलर टावर के ऊपर फेंक के मार देता है, जिससे उनका वैलर टावर टूट जाता है। उसके बाद उनका हाइब्रिड लीडर कहता है कि ये लोग यहाँ से आगे ना आ पाए। डीएनए एलियन कहता है हमारी पूरी की पूरी सेना तबाह हो चुकी है मालिक, और इन लोगों को रोकना नामुमकिन है। उसके बाद में हाइब्रिड कहता है कोई बात नहीं, हमारे प्लान को अभी अंजाम दो। उसके बाद हाइब्रिड जंप गेट को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और ग्वेन कहती है दोस्तों जंप गेट चालू हो रहा है। एलन कहता है अब हम लोग क्या करेंगे। केविन कहता है और क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। उसके बाद केविन जैसे उसे तोड़ने जाता है केविन दूर जाके गिरता है। उसके बाद में सारे के सारे लोग एक साथ उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा होता। उसके बाद जो बैन होता है वो वेविक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। ग्वेन कहते हैं लगे रहो बैन, हमारा काम बन रहा है। लेकिन उसके बाद में जो बैन होता है उसे जोर से करंट लगता है और बैन दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद में जो जंप गेट होता है उसके अंदर से काफ़ी सारे वॉरशिप आने लग जाते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके चेहरे पे उनकी हार और मायूसी झलक रही होती है और उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं होती। और यहाँ पे जो बैन होता है वो बेहोश पड़ा होता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पे बैन बेहोश हो रखा होता है और अचानक से उसकी आँख खुलती है। बैन देखता है कि हज़ारों की तादाद में वॉरशिप अर्थ के ऊपर आ चुके हैं। तभी वहाँ पर ग्वेन आती है और बैन को उठाती है। ग्वेन कहती है हम लोगों ने देर कर दी। बैन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पास एक नया प्लान है। सभी लोग बैन को देखने लग जाते हैं और बैन कहता है अभी सोच रहा हूँ। केविन कहता फिर तो समझो हो गया काम। बैन कहता सोच लिया, हम लोग हाइब्रिड के कंट्रोल रूम में जाएंगे और उनके कमांडिंग ऑफिसर को पकड़ के उनके सारे स्पेस वापस लौटाने को कहेंगे। डार्क सर कहता है खुद को बहुत होशियार समझते हो। बैन कहता है हे तुमको मैंने कितनी बार मात दी है। डार्क सर कहता है दो बार, पर तुम्हारा ये प्लान मेरे पर लेनी पड़ा। अजमत कहता है उनका मेन कंट्रोल टावर शहर की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग होगी। डार्क सर कहता है वही तो मेरा मतलब था, तुम लोग वहाँ तक जाओगे कैसे। केविन कहता है वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद केविन अपनी कार निकाल लेता है। ग्वेन कहते हैं क्या हम तुम्हारी कार में जाने वाले हैं। केविन कहता है हाँ। उसके बाद केविन एक बटन दबाता है और उसकी कार अपग्रेड होने लग जाती है। बैन कहता है ये सब तुमने कब कर लिया। केविन कहता है वो सब मत पूछो यार, जब भी कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिलती थी खाली समय में उसे कार के अंदर लगा देता था और धीरे धीरे करके उसकी कार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी सारी वेपन्स भी निकल जाती है। ग्वेन कहते हैं तुमने तो कार का नक्शा ही बदल दिया। उसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम जाने के लिए निकल लेते हैं लेकिन सामने से काफ़ी सारे डीएनए एलियंस आ जाते हैं। केविन एक बटन दबाता और काफ़ी सारी फायर के साथ काफ़ी सारी मिसाइल्स आती है और वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद में बैन कहता है कि सामने देखो, सामने एक बहुत बड़ा ट्रक है। केविन कहता है हाँ देख लिया। केविन एक बटन दबाता है और सामने से एक बहुत बड़ी मिसाइल जाती है और उस ट्रक को उड़ा देती है। उसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद जो केविन होता है वो अपनी कार के अंदर ऑटो अटैक मोड ऑन कर देता है। ऑटो अटैक मोड ऑन करने के बाद में उसकी कार काफ़ी खतरनाक फायर करने लग जाती है और जो डीएनए एलियंस होते हैं वो भी उसकी कार के ऊपर फायर करते हैं लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। केविन वहाँ पे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। ग्वेन कहते हैं केविन चलो, हम लोगों को देर हो रही है। केविन कहता है उस कार को बहुत मिस करूंगा। उसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद जो केविन होता है वहाँ का मेटल अब्जॉर्ब कर लेता है और जो बैन होता है वो स्वाम्प फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ का जो गेट होता है उसे पिघला देता है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो हाइब्रिड होता है वो कहता है टेनिसन मैंने सही पहचाना ना, दरअसल तुम अर्थ के सभी कमज़ोर लोग मुझे एक ही तरह दिखते हो। बैन कहता है हाँ हाँ मान लिया, तुम ही सबसे ताकतवर हो, हम तो ठहरे बेचारे इंसान, ये सब बातें नहीं करने आया हूँ मैं। हाइब्रिड कहता है अपनी हद में रहो टेनिसन, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी अर्थ की जान भी मेरे हाथों में है। बैन कहता है या फिर कहो कि तुम्हारी मेरे हाथों में। हाइब्रिड कहता है उन दोनों को खत्म कर दो, बैन टेनिसन को मैं देख लूंगा। उसके बाद जो केविन होता है काफ़ी खतरनाक फाइट करने लग जाता है और जो ग्वेन होती है वो अपने कराटों से सभी डीएनए एलियंस को पीट रही होती है। जैसे बैन हाइब्रिड से फाइट करने जाता है हाइब्रिड बैन के पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है लो तुम भी गए, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपनी जान ली मुझे मारने की जिद में। बैन कहता है गलत फहमी में रहना छोड़ दो और वो उसका मुँह जला देता है। और यहाँ पे जो दूसरा हाइब्रिड होता है वो ग्वेन के ऊपर हमला कर रहा होता है और ग्वेन उसे बचाव कर रही होती है। तभी बीच में केविन आ जाता है और वो उस हाइब्रिड को दूर फेंक के मारता है। जैसे केविन उस हाइब्रिड से फाइट करने जाता है वो हाइब्रिड केविन का हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ने लग जाता है। यहाँ पे जो बैन होता है वो अभी भी उनके हाइब्रिड के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन उनका हाइब्रिड लीडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो बैन के ऊपर भी भारी पड़ रहा होता है। इधर जो दूसरा हाइब्रिड होता है वो केविन को काफ़ी गंदी तरह पीट रहा होता है, उसको मार मार के उसका कचुम्बड़ बना देता है। तभी पीछे से ग्वेन कहती है छोड़ दो
से। वो हाइब्रिड कहता है, लो छोड़ दिया लेकिन अभी तुम्हें पकड़ लेता हूँ। हाइब्रिड ग्वेन के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम्हें तो मैं चुटकियों में बसर सकता हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को ख़त्म करूँगा ताकि तुम अपनी नज़रों से उसे तड़पता हुआ देख सको। तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं लड़की। तभी पीछे से ग्वेन कहती है, मैंने कहा छोड़ो उसे। ग्वेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एनोडाइट रूप में आ जाती है। ग्वेन उसे इतनी दूर फेंक के मारती है कि वो पूरे एरिया से ही बाहर जाके गिरता है। उसके बाद केविन ग्वेन के पास जाता है और ग्वेन कहती है, बहुत पावर आ गई है मुझ में। केविन कहता है, नहीं ग्वेन प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। ग्वेन कहते हैं, नहीं मैं उन लोगों को अकेले ही ख़त्म कर सकती हूँ, वो भी एक झटके में। केविन कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा था कि तुम्हें इस पावर के बारे में पूरी जानकारी लेने में 75 साल लग जाएंगे। ग्वेन कहती है, 75 साल नहीं है हमारे पास। केविन कहता है, अपना वजूद खो दोगे तुम ग्वेन, ना बैन तुम्हें याद रहेगा ना मैं। बैन कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालेगा, तुम्हें शांत होना पड़ेगा ग्वेन, वरना मैं क्या करूँगा, सुना तुमने। उसके बाद ग्वेन शांत हो जाती है और ये दोनों हग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बैन होता है वो अभी भी हाइब्रिड लीडर से पीटे जा रहा होता है और हाइब्रिड कहता है, तुम्हारा खेल ख़त्म पकौड़े। बैन कहता है, अभी थोड़ा सा बाकी है। वो अपने हाथों में थोड़े से बीज लेता है और अपनी जो जड़ें हैं उनसे उसे जकड़ लेता है। उसके बाद बैन कहता है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इन स्पेसशिप को वापस लौटने का ऑर्डर दो। हाइब्रिड हंसने लग जाता है। केविन कहता है, इसने कोई जोक मारा क्या। हाइब्रिड कहता है, ऑर्डर देने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, वो केवल हमारे हाइब्रिड बॉस के पास है जिन तक तुम कभी नहीं सकते, वो लोग हमारे वतन में है। केविन कहता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए लेंस आ जाते हैं जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पीछे से एक डीएनए लेंस आगे आके गिरता है और पीछे से मैनी आ रहा होता है जो कि कहता है, हटो बदबूदार एलियंस, मुझे दोस्तों से मिलने दो। जब हेलन होती है वो सभी के हथियारों को छीन लेती है और पेयर्स अपने कांटों से सारे हथियार फोड़ देता है। बैन कहता है, जब पेयर्स और हेलन यहाँ पे आ गए हैं इसका मतलब। उसी वक्त वहाँ पे ग्रैंडपा जाते हैं और वो कहते हैं, सब ठीक ठाक तो हो ना बच्चों। बैन और ग्वेन ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उन्हें हग कर लेते हैं। ग्वेन कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें लगा जब तक नलवर्ड में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप वहीं पे रहेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, फिलहाल नलवर्ड में सब कुछ ठीक है और वैसे भी मैं काफ़ी समय से हाइब्रिड के मंसूबों पर नज़र रखे हुए था तो इस आखिरी समय में आना तो बनता था। हाइब्रिड कहता है, फिर तो बर्बादी का तमाशा देखने बिल्कुल सही समय पर आए हो मैक्स टेनिसन। कुछ ही समय में हमारी स्पेसशिप पूरे अर्थ के ऊपर फैल जाएगी और 1 घंटे के अंदर पूरे प्लैनेट को तबाह कर देगी। केविन कहता है, और हमें तो जैसे पता ही नहीं हमें क्या करना है। बैन कहता है, बिल्कुल पता है, वो जमकेट हमारी दुनिया में आने का दरवाज़ा है ना, अगर वो आने का रास्ता है तो वो जाने का भी ज़रूर होगा। ग्वेन अपना फ़ोन देना। ग्वेन कहते, ज़रूर लेकिन क्यों। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सभी लोग डीएनए लेंस से फाइट कर रहे होते हैं और तभी जूली का फ़ोन बजता है। पैराडॉक्स कहता, अपना फ़ोन तो चेक कर लो, ज़रूरी हो सकता है। जैसे जूली फ़ोन को उठाती है जूली कहती है, ओके। पैराडॉक्स कहता है, कहाँ था ना, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि ग्रैंडपा से कहता है, यहाँ पे आप संभालिए। ग्रैंडपा कहता है, यहाँ का कंट्रोल रूम अपने कंट्रोल में रखना है, समझो काम हो गया। मैनी पूछता है, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। बैन कहता है, बस बाहर थोड़ा सा टहल लें। बैन बाहर कूद जाता है और तभी नीचे से शेप आ जाता है। बैन कहता है, ग्वेन केविन तुम लोग आना चाहोगे। उसके बाद ग्वेन और केविन भी बैन के साथ आ जाते हैं और बैन कहता है, अगर हम लोग ना लौटे तो यहाँ पे तुम्हें ही संभालना है। मैनी कहता है, छोड़ो ये बेकार की बातें, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगा। उसके बाद केविन कहता है, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये जनाब जा कहाँ रहे हैं। अजमत कहता है, अगर तुम्हारा मतलब मुझसे है तो जान लो मैं अपनी ऑमनेटिक्स को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। ग्वेन कहती है, बैन को भी आपकी फिक्र रहती है। अजमत कहता है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरी ऑमनेटिक्स से मतलब है, बैन से नहीं। ग्वेन कहती है, मतलब तो है। उसके बाद बैन कहता है, जम गेट आने ही वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ, मुझे अपना फ्लाइट सूट बदल लेना चाहिए। और बैन ब्रेनस्टॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन कहता है, मेरी इतनी बड़ी खोपड़ी में जो इतना खास और सुपर इंटेलिजेंट दिमाग है वो ऐसे समय पे काम आता है, इसलिए मौके की नज़ाकत को समझते हुए मुझे लगा कि पायलट अब मुझे ही होना चाहिए। अजमत कहता है, मौके की नज़ाकत ये कहते कि इसे मुझे चलाना चाहिए। बैन उसकी तरफ देख के हंसने लग जाता है। अजमत कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खोपड़ी मुझसे बड़ी है तो तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बैन कहता है, नहीं मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा दिमाग आपसे बड़ा है। उसके बाद एक वॉरशिप इनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन ये लोग बच जाते हैं। अजमत कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, जम गेट के अंदर जी मचला सकता है। ग्वेन कहते हैं, काम कैसे करता है। अजमत कहता है, ये आपको लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज दूसरी तरफ ढकेलता है। बैन कहता है, और गैलेक्सी की दूसरी तरफ रिसीवर गेट में जाके छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग जम गेट के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और ग्वेन कहती है, सब लोग ठीक तो है ना। बैन कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और वह अजमत के ऊपर उल्टी कर देता है। उसके बाद हाइब्रिड उनके स्पेसशिप के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अजमत कहता है, हमें जल्दी से हाई काउंसिल बिल्डिंग में पहुँचना पड़ेगा, वो बड़ी वाली।
उसके बाद जैसे ही वो लोग उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, क्रैश होने की वजह से बैन को चक्कर आने लग जाते हैं। अब वो बेहोश हो जाता है। जैसे बैन को होश आता है, बैन कहता है ये सब क्या हुआ। केविन कहता है होना क्या था, उस एक्सीडेंट के बाद हाइब्रिड गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया। ग्वेन कहती है लेकिन अच्छी बात ये है कि अब हम लोग हाइब्रिड के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। बैन कहता है और शिप। ग्वेन कहती है वो बिल्कुल सही सलामत है, अगला ऑर्डर मिलने तक मैंने उसे छुपने के लिए कहा है। उसके बाद बैन कहता है काश मैं ओमनिट्रिक्स तक पहुंच पाता। अस्मत कहता है पहुंचने की क्या जरूरत है। बैन कहता है हाँ सही कहा, ओमनिट्रिक्स ह्यूमंगसोर। और बैन ह्यूमंगसोर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन और केविन को छुड़ा लेता है। उसके बाद बैन हल्क के स्टाइल में दरवाजा तोड़ता है और वहां पे जो हाइब्रिड होते हैं, ग्वेन कहते हैं चुपचाप अपने बॉस के पास ले चलो। उसके बाद बैन उस हाइब्रिड को एक दरवाजे पे फेंक के मारता है और सामने काफ़ी सारे हाइब्रिड बैठे होते हैं। उनमें से एक हाइब्रिड कहता है वो अर्थ के रखवाले बैन टेनिसन तुम ही हो ना। बैन कहता है हाँ, और तुम ज़रूर इन हाइब्रिड के बॉस होंगे। हाइब्रिड कहता है तुम कितने ज़िद्दी हो इस बात का अंदाज़ा था मुझे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की दाद देता हूँ। बैन कहता है थैंक्स, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अर्थ के ऊपर हमला रोक दो, आखिर तुम्हें हमें इतनी तकलीफ पहुँचा के मिलता क्या है। हाइब्रिड कहता है तुम्हारी नस्ल एक तुच्छी नस्ल है, तुम्हारी मौजूदगी ही हम जैसी महान नस्ल के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं। अजमत कहता है अपनी फिजूल की बातें बंद करोगे। हाइब्रिड कहता है तुम्हें मेरी बातें फिजूल की लगती है, तुम गैलवन प्लैनेट से हो ना, जो एक पानी में जमी हुई काई से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला होता है। अजमत कहता है इनके बहकावे में मत आना बैन, ये इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई खास नस्ल है, बल्कि ये इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि खुद खत्म होने की कागार पे हैं। नस्ल की झूठी आन बान में ये एक दूसरे से ही शादी रचाने लगे और अब ये अगली पीढ़ी को जन्म देने के काबिल नहीं बचे। ये हाइब्रिड की आखिरी पीढ़ी है, मैंने सही कहा ना। हाइब्रिड कहता है बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं जो नहीं रहेंगे। कुछ ही समय में हमारी फौज अर्थ के साथ गैलेक्सी के उन तमाम प्लैनेट्स को तबाह कर देगी जिनके ऊपर जिंदगी है, और तुम लोग अपनी आंखों से पूरे यूनिवर्स की तबाही देखोगे। अजमत कहता है सब कुछ खत्म, इनसे हम लोग नहीं लड़ सकते। बैन कहता है इनसे लड़ाई नहीं, इनकी मदद करनी चाहिए। ओमनिट्रिक्स क्या तुम इनका जेनेटिक डैमेज रिपेयर कर सकती हो। ओमनिट्रिक्स कहती है इसके लिए हमें अपनी पूरी पावर लगेगी। उसके बाद बैन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ओमनिट्रिक्स कहती है जेनेटिक रिपेयर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और बैन जैसे ही अपना हाथ ऊपर करता है, ओमनिट्रिक्स के अंदर से कुछ रेज निकलती है और दूर दूर तक फैल जाती है। उनकी जो पूरी फौज होती है वो भी उसके कांटेक्ट में आ जाती है और सभी हाइब्रिड के जो कलर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। हाइब्रिड कहता है क्या किया तुमने हमारे साथ। जैसे बैन अपनी ओमनिट्रिक्स की तरफ देखता है, ओमनिट्रिक्स कहती है काम पूरा हुआ, जितने भी हाइब्रिड ट्रांसमिशन की रेंज में थे सभी को ओमनिट्रिक्स के डाटाबेस के हिसाब से अलग अलग नस्ल में बदल दिया गया है। हाइब्रिड कहता है ट्रांसमिशन की रेंज में, इसका मतलब जम गेट के दूसरी तरफ के हाइब्रिड भी। अजमत कहता है हाँ, पूरे यूनिवर्स में जितने भी हाइब्रिड है वह बन चुके हैं। क्या कहा था इसने। ग्वेन कहती है तुच्छी नस्ल कहा था। केविन कहता है चूजों की दुनिया में स्वागत है। हाइब्रिड कहता है तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बैन कहता है गुस्सा क्यों करते हो, मैंने तुम्हारी मदद की है। हाइब्रिड कहता है तुमने हमें वापस से नापाक कर दिया, अब जिंदगी खत्म करने का वक्त आ चुका है। उसी वक्त पीछे से एक हाइब्रिड आता है और वो कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बैन कहता है राइनी। ग्वेन कहती है इसे जानते हो। बैन कहता है मैं किसे नहीं जानता। वैसे अगर आप लोगों को भी जानना है कि बैन की और इसकी मुलाकात कैसे हुई तो मेरे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। उसके बाद राइनी कहता है इस इंसान ने एक बार मेरा DNA बदल के मेरी चोट ठीक की थी। शुरुआत में तो मुझको भी ये सब एक सज़ा जैसा लग रहा था, लेकिन वो सब सच नहीं था। मेरे साथ ही हाइब्रिड हम लोग अपनी जिंदगी जी सकते हैं। उसके बाद वो सारे हाइब्रिड आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं और उनका लीडर बोलता है तो फैसला हो गया, आज से हमारी हाई काउंसिल आपको हमारा हाइब्रिड बॉस बनाती है, हमें रास्ता दिखाइए। रायनी कहता है ज़रूर कोशिश करूंगा। उसके बाद रायनी बाहर जाता है और अनाउंसमेंट करता है मेरे साथी हाइब्रिड ये जंग खत्म हो चुकी है, सभी लोग वतन वापस लौट आओ ताकि हम अपने एक नए कल की शुरुआत कर सकें। उसके बाद रानी बैन से हाथ मिलाता है और कहता है मदद करने के लिए शुक्रिया बैन बैन टेनिसन। और जो सारे के सारे वॉरशिप होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं और ग्रैंडपा जम गेट के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक के मारते हैं और वो पूरा का पूरा गायब होने लग जाता है। जैसे केविन ग्रैंडपा की तरफ देखता है, ग्रैंडपा बताते हैं फ्यूजन ग्रेनेड। उसके बाद जूली कहती है मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि अब दुनिया खत्म होने से बच चुकी है, तो मुझे 9 बजे से पहले घर पहुंचना पड़ेगा।
ग्वेन पूछती है, ग्रैंडपा आप वापस से नलवर तो नहीं जा रहे ना? ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, बेन के साथियों को इतना ज़्यादा ट्रेन देख के अब मुझे अपने टीम वालों को भी कुछ सिखाना पड़ेगा, और हाँ इन लोगों के लिए एक बड़ी मोटर वैन भी लेनी पड़ेगी। केविन कहता है मैं तो सबसे पहले ऑटो शो जाऊँगा, मुझे एक नई कार जो लेनी है। ग्वेन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। केविन कहता है तुम्हें कार पसंद है? ग्वेन कहती है कार तो नहीं पर तुम पसंद हो। पैराडॉक्स कहते हैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करके अच्छा लगा बेन, मैं अजमत को गैल्वन छोड़ के आता हूँ। अजमत कहता है गैल्वन में तो नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बेन कहता है जाने से पहले आप इसका मास्टर कंट्रोल वापस से ऑन कर देंगे? शायद से उस डीएनए की वेव की वजह से रीसेट हो चुका है। अजमत कहता है हाँ हो चुका है, खुद बैठ के करते रहो। उसके बाद बेन जैसे अपनी ऑमनोटिस के अंदर देखता है उसके अंदर सारे के सारे नए एलियंस होते हैं। बेन कहता है इसका मतलब अब से नए एलियंस की बारी। ये जो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।